इस दुनिया में ज्यादातर लोगों की जिंदगी गम भरी हुई है और इस गमगीन जिंदगी को लोग जी रहे हैं। तो मैंने आपसे प्रश्न रखा था, अभी वो प्रश्न भी नहीं कर पाया पूरा, वो सवा घंटा हो गया प्रवचन करते करते। तो कबीर कहते हैं लंबी जिंदगी जीने का कोई खास अर्थ नहीं। तुम 150 वर्ष जियो ये 15 वर्ष जो मुहूर्तमपि जीवेच्च नरः शुक्लेन कर्मणा लोकद्वयी विरोधिनः कष्टेन। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निर थिर होए कहें कबीर वह पलक ही कलब बराबर हो। जिस समय तुम्हारा तन पवित्र है, मन पवित्र है, वाणी पवित्र है, चित्त की वृत्ति शांत है, प्रसन्नता है, ऐसा जिंदगी का एक क्षण कल्पों के समान है। एक कल्प 4,32,00,000,000,000 का होता है। 4,32,00,000,000,000 आप 4,32,00,000,000,000 की लंबी जिंदगी जियो, वो जिंदगी व्यर्थ है, भार है, ढोना ही है। लेकिन एक क्षण की जिंदगी, एक पलक मारने भर की जिंदगी यदि आपने निश्चिंतता निर्भयता आनंद के साथ में अहोभाव के साथ में जिया है तो ये जिंदगी उस जिंदगी से ज्यादा अच्छी। बहुत से लोग मिलेंगे तो बताते हैं हमारी उम्र 140 साल है और तमाकू पीट पीट कर खा रहे हैं। तुमसे पूछो तमाकू कब से खाते हो, कहें तमाकू खाते खाते कम से कम ये उसे 20 साल तो हो ही गए। 20 साल की उम्र लाए तब शुरू करेगा। एक से 40 साल की उम्र में केवल तमाकू खाए सीखे, बाकी अकेल कुछ नहीं जाएगी। इतनी जिंदगी का लंबा अनुभव आदमी को बदल जाना चाहिए। और कोई भी नशा आपकी शांति को, आपके धन को नष्ट करता है। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, जितने मनुष्य नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, उससे भी ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में बहुत डूब गए दारू में। समय के महत्व को भी समझिए। तो तन थिर का अर्थ क्या होता है? शरीर को स्थिर करके बैठ जाना, ये तन थिर नहीं। हिलो डुलो ना, चलो फिरो ना और कहो कि तन स्थिर हो गया, ये तन की स्थिरता नहीं है। तन की स्थिरता का अर्थ है अब ये शरीर गलत राह पर चलकर नहीं जा रहा है, अब इस शरीर से कोई कर्म ऐसे नहीं हो रहे हैं जो पाप कर्म, अब इससे पुण्य के पथ पर यात्रा हो रही है, इन हाथों से अब धर्म हो रहा है, ये पैर अच्छी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, ये शरीर अब सत्कर्म कर रहा है, दुष्कर्म छोड़ दिया है, तो समझ लो आपका तन स्थिर हो गया है। और जिसका तन ऐसा स्थिर हो गया, उस व्यक्ति का तन तीरथ हो गया है, उसको कोई तीरथ में डुबकी लगाने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं। मन थिर, जिसके मन ने चंचलता छोड़ दिया है, मन प्रसन्न भी है, शांत भी है, मन हर्ष से भरा हुआ है, मन में टेंशन नहीं, तनाव नहीं, समझो उसका मन स्थिर हो गया है। और मन को जिसको स्थिर करना आता है तो उसी का मन मंदिर हो जाता है।
और जिसका मन स्थिर नहीं उसको मंदिर में ले जाओ तो मंदिर में भी वो चोरी करेगा। कितने मंदिरों से भगवान की मूर्ति चोरी हुई है, कौन चोरी कर ले गया, जानवर चुरा ले गया। चोर और पुजारी दोनों ने मिलकर भगवान को निकाल दिया और पुजारी रस्सी में बंधा पड़ा है। चोरों से कहा तुम रस्सी में बांध के डर दो और भगवान को ले जाओ, बेचो आधा आधा हो जाए, दक्षिणा उक्षिणा आवत नहीं, इन्हें के निपटा रो। भगवान निपट गए, पुजारी रस्सी में बंधे पड़े रहे। सवेरे आए कि मंदिर वाले खोले ने, पुजारी कहे इसकी घमका करी रस्सी में बांध के डर के, खूब झूठ बोले से। अब ये क्या है, ये मन के अंदर लोभ भरा हुआ है और लालच बुरी बला है। आप बला पकड़ गला नरक में ले चला। एक स्त्री छत पर चढ़ी तो उसे हलवा की खुशबू आई पड़ोसी के यहां से, तो गुस्सा होकर के छत से उतरी और अपने पति के ऊपर टूट पड़ी। तो पति ने कहा मामला क्या, कभी इस तरह नहीं टूटी थी, आज क्यों टूट पड़ी। बोले मैं छत पर चढ़ी और उतर कर आपके ऊपर टूट पड़ी। तो क्यों टूट पड़ी, तो उसने कहा छत से झांक कर देखा तो पड़ोस में एक मोची रहता है, मोची के घर में देसी घी में हलवा तला जा रहा है, खुशबू आ रही थी। तो मैंने पूछा तो मोची की पत्नी मोचिन ने बताया कि हमारे हर दूसरे दिन हलवा बना था। तो मेरे को गुस्सा ही अपने सेठ जी के ऊपर कि इतने बड़े सेठ करोड़पति और ये रूखा सूखा भोजन करते हैं, अपने घर भी हलवा बनना चाहिए। तो सेठ ने कहा नाराज मत हो, मोची की बुद्धि नहीं है, हलवा खा खा कर पैसा खराब करता है, घाटी उतरे माटी, हलवा खाए इसका फायदा। सेठ ने समझाया तो सेठानी के समझ में नहीं आया। तो सेठ ने कहा कि मोची के घर का भी हलवा बंद करा दूंगा मैं। कैसे बंद कराओगे, बोले रात भर बस लगेगा। रात में वो चढ़ा सेठ छत के ऊपर, एक लकड़ी लिया आधा फिट की, उसमें 100 का नोट लपेट कर धागस बांध के लकड़ी के साथ फेंक दिया मोची के आंगन छत से। मोची जब सवेरे उठा तो 100 का नोट देखा लकड़ी में लपेटा हुआ, पत्नी को बुलाया कहा देखो भगवान ने आकाश से गिराया है 100 का नोट, लो इसको संभाल के रखो। और पति पत्नी ने सलाह किया इसका जोड़ा हम तुम लगाएंगे। तो जोड़ा लगाने पड़े तो एक महीना हलवा खुशबू आई नहीं। तो सेठ ने पूछा सेठानी सब खुशबू आवत है, अरे एक महीने से खुशबू नहीं आई हलवा के, कहीं जौन रोग हमरे लगा रहे वह वो लगा दिया, अब हलवा न बनी इनके घर में। बहुत कंजूस लोग, कितने लोग तो इतने कंजूस है कि खुद भी ठीक से खाते नहीं है, ठीक से कपड़े भी नहीं पहनते हैं और ठीक से न बिस्तर बिछाना है और रुपया बहुत है, उनके घर के सब तबाह है, किसी को खाने भी नहीं देते हैं। और कितने घरों में तो इतने उड़ाऊ वीर हैं कि घर घर मिलकर रोज समोसा उड़ाते, सब वो भी बर्बाद कर रहे हैं, जमीन बेच बेच बर्फी खाते पति पत्नी, जब सब जमीन बिच गए तो मजदूरी करे जाते हुआ गुड़ खाते, तो फिर पछताते हैं कि जमीन बेच बर्फी न खाए चाहिए रहे। तो पति कहते तुम्हें तो नहीं मानो रोज बर्फी खाती रहो, लाओ तो जमीन बेच खवाए दे, अब मजूरी करो। मनुष्य को विवेक रखना चाहिए, जवान को इतना चटोरी मत बनाइए कि आपकी बुनियाद खत्म हो जाए, और इतने कंजूस मत बनिए।